एक बार बहू अपनी सास से बड़ी जोर से लड़ रही होती है। सास अपने टिपिकल ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है, मुझे तो लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे घर में ना आई ये लड़की, मेरी सारी शांति छीन के ले गई। बहू गुस्से में कहती है, आपी हमेशा मुझे ही दोष देती हैं। आपने कभी अपने आप को देखा है? पति चुपचाप टीवी देख रहा होता है लेकिन अंदर से थोड़ा घबरा रहा होता है। बहू गुस्से से पति के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। पति चुपचाप एकदम कूल रहता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। बहू और गुस्से में आ जाती है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, मैं चली जाऊंगी। पति आराम से कहता है, तुम्हारी पैकिंग करवाने में मदद दूं। बहू के हाथ से सब चीजें गिर जाती हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? पति मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जाने मन, बस ये सोच रहा हूँ कि जब तुम वापस आओगी तब कितनी सुकून भरी शांति मिलेगी, पर तब तक थोड़ा ब्रेक तो बनता है। बहू गुस्से से जाती है पैकिंग करने और पति टीवी के रिमोट से चैनल बदलने लगता है एकदम आराम से। सास इतने में वापस आती है और कहती है, अरे बेटा काहिन मत जाओ, तुम गई तो घर का काम कौन करेगा? बहू शॉक में कहती है, एपी को मेरी याद नहीं आएगी? सास कहती है, अरे याद तो आएगी, पर जो मजा तुम्हारे साथ रोज रोज की लदाई में है वो मजा किसी के साथ नहीं आएगा। बहू गुस्से में रूम से पैकिंग करने जाती है और पति उसके पीछे से चीख के कहता है, एक काम करो, जो कपड़े वापस लाने के हैं वो भी साथ ले जाओ, बाद में बार बार वापस मत आना, पेट्रोल महंगा है। बहू गुस्से से अपने हाथ में रखने वाली स्वीटकेस को पटक देती है और फिर चिल्ला के कहती है, मैं वापस नहीं आऊंगी।